जिंदाबाद। जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जिंदाबाद। एनसी, जिंदाबाद। एनसी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया और हम अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ को शुक्रगुजार है कि वो हर हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो कल फारूक अब्दुल्ला साहब का बर्थडे था, हम पूरी यूथ की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और आज हमारे गौरव जी और जितने भी साथी हैं ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और हमारे अयूब मलिक साहब जो एनसी के बहुत ही पुराने लीडर है वो वापस आए, हम उनको बहुत ही मुबारकबादी दिल से करते पूरी यूथ की तरफ से। टाइम आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, सब लोग इस टाइम सबों का बहुत बुरा हाल है, तो हम अपने जो एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बेरोज़गारी है आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला आप उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करोगे, बेरोज़गारी मिटाओगे और हमारी यूथ की तरफ हमारी यूथ की तरफ भी अच्छी ये मैसेज जा रहा है कि हमेशा जितने भी बेरोज़गार हो उनको काफ़ी ज़्यादा आप सपोर्ट करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज जो वर्कर दबे हुए थे कोई 5-7 साल से 10 साल से, आज वो खुशी से बाहर आए हैं, निकले हैं बाहर, क्योंकि अब जो आवाज़ वो वर्करों की आवाज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो वर्करों की आवाज़ बनने जा रही है। तो इसीलिए ये लहर बहर जो आज आप यहाँ पे देख रहे हो ये इसी चीज़ का सबूत है, नमूना है, क्योंकि फारूक साहब और उमर साहब रतनलाल गुप्ता जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज यहाँ से कार्रवाई ये शुरू हो रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए, एकता भाईचारे के लिए आज हमने यहाँ से ऐलान किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जम्मू में है भाई भाई, क्योंकि इन लोगों ने जो कम्युनल लोग हैं उनके खिलाफ आज ये यूथ सारा आवाज उठा रहा है, क्योंकि जम्मू में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जो है वो खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गुलदस्ता है। अगर कुछ लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, जम्मू 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 की बातें करते हैं, अगर वो जम्मू की बात करते वो किसी पार्टी में नहीं जाते, वो जम्मू की ही एक पार्टी खड़ी करते सारे नेतृत्व को लेकर। यहाँ जो भी जा रहा है, किसी ने अपनी जमीन बचानी है, किसी ने कब्रिस्तान बेचे हैं, यहाँ भवक्ती नगर में कब्रिस्तान किसी ने बेचे हैं, किसी ने भवक्ती नगर में एफिडेविट पे जेडीए की जमीनें बेची हैं, ये वही लोग यहाँ पार्टी से भाग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर आज तक ना कोई गया है तो ना कोई जाएगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की ये आवाज है। ये जो रैली ये यहाँ से रैली फारूक साहब की कोठी तक जाएगी, तो जितने भी ये लड़के यहाँ नौजवान आए हैं फारूक साहब के हाथों से ये ज्वाइन होंगे, यहाँ से बठिंडी जा रही है ये रैली।